मैं ना अपने पूरे स्कूल में फेमस हो गया हूँ सर, मुझसे ना पीछे पीछे लाइन लग जाती है कि मुझे सिखा जल्दी इस नंबर फोनेटिक को सिखा, फोनेटिक को सिखा। 21वीं सदी का दौर चल रहा है, 21वीं सदी का दौर यानी कि दौड़, जनरेशन की आपस के दौड़ लगी हुई है एक दूजे तो अगे निकलती। इस दौड़ के अपने बच्चे शामिल करन दे लई असी लोग वधिया तो वधिया हाई क्लास स्टडी दे विच अपने बच्चे पाते हैं, पर असी ये भुल जाते हैं कि पेरेंट्स को यह जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे कि बच्चे केवल हाई क्लास स्टडी नहीं उसनों स्किल्ड करना चाहिए है। इस स्किल्स को इंप्रूव करन दे लई अज जलंधर दे विच सैमीनार लग रहा है जो कि मेंटा स्किल्स वालों ऑर्गेनाइज किया गया है। ये एक अकैडमी है जिदे वालों की बच्चों को होर स्किल्ड करने लिए थोड़े समय के किमें ज़्यादा पढ़ना अते किमें ज़्यादा स्किल्ड होना, अपने क्वेश्चन नू किमें याद रखना, वो बारे सारिया स्किल्स उन्होंने करवाइया जाने ने। आओ जानते हैं कि किमें उन्होंने पेरेंट्स अते बच्चे ये सारे सारी स्टडी दे नाल सैटिस्फाई हुए ने। उस दे नाल असीं चलते हैं सैमीनार के अंदर तो देखते हैं कुछ चल गया। नज़र नज़र सवरना कमाल होता है, नफस नफस बिखरना कमाल होता है, बुलंदी पर पहुंचना ही कमाल नहीं, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है। सर बहुत बढ़िया लग रहा है, इट्स वेरी गुड, आई एम रियली थैंकफुल टू यू सचिन सर, हक सर फॉर इंस्पायरिंग द स्टूडेंट्स। और मुझे ये लगता है कि जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे ना उतना ही बढ़िया होगा। मेंटा स्किल अकैडमी दे विच कुछ एहो जे बच्चे जिन्हां ने कि बहुत सारिया स्किल्स इतों प्राप्त कीतियां ने, हासिल कीतियां ने, सीखियां ने, उन्हां दे नाल असीं तुहानूं मिलाण जा रहे। कुछ छोटे छोटे बच्चे ने साडे नाल इत्थे। हैलो बेटा, की नाम है तुहाडा? मेरा नाम प्रज्ञा है। प्रज्ञा, हाँ जी बेटा, सानूं दसो कि तुसीं की इत्थों किहड़े किहड़े मैथड सीखे ने? राइम मैथड, PMS, चेन मैथड, रोमन रूल मैथड, ऐसे बहुत सारे मैथड सीखे हमने। हाँ जी, तो यह भी दसो कि इन्होंने मैथड्स के की होंगे? मैथड से लर्निंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है और फन होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है स्टडीज़ में। और कितना का ज़्यादा फर्क लगता है हुन स्टडी करन दे विच, क्योंकि ये जो मैथड्स ने इत्थों तुसीं काफ़ी कुछ सीखते हो और अपनी स्टडी जो स्कूलिंग स्टडी है काफ़ी डिफिकल्ट होंगी है, उस तो बाद कितना का ज़्यादा फर्क लग गया कि हुन कितनी का आसान लगती है? परसेंटेज अच्छी आई है और पढ़ाई में ज़्यादा मज़ा आता है, तो फिर स्कूल में टीचर्स भी खुश है बहुत ज़्यादा हमसे। हेलो मैम। हेलो जी मैम, सब तो पहला तो सानू दसो कि जिहड़ी ये मेंटा स्किल्स है ये किवें इंप्रूव करदी है बच्चों नू, और तुहाडे बच्चे दे विच कितना को फर्क आया? ये बच्चों को स्पेशली ऐसे बताते हैं कि तुमने मतलब जो चीज़ें हैं उनको लर्न नहीं करना, तुमको उनको बेसिकली उनको अपने वर्ड्स देने हैं, उनको नई नई तकनीक बनानी है, उसके लिए रिगार्डिंग तुम कुछ भी मतलब अपनी कोई स्टोरी राइम बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, वो चीज़ें बेचो वो बेसिकली याद रहती है। ये नहीं कि हमने आज लर्न किया और अगर हम 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, इवन दीज आर थिंग्स विच वी कैन लर्न फॉर अ लॉन्ग लाइफ, दीज थिंग्स वी कैन नॉट बी गोइंग टू बी फॉरगेट इन द फ्यूचर, वेन एवर दे हैव लर्न द थिंग्स फ्रॉम दिस फॉर then they will are ready to do it for a lifetime. In this way they learn the basics from the these things. It depends on the kids ki how they apply the things. I think instead of doing kids we should be like parents have to do this also. Yeah. हाँ जी, इस दे नाल ही मेंटल स्किल्स दे विच साडे कोल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी ने जो कि अफगानिस्तान तो आए ने। आओ करदे आ उहनां दे नाल गलबात, बट मैं तुहानूं एक गल दस दूँगा कि उहनां ओह हिंदी और पंजाबी समझ तो लैंदे ने लेकिन बोल नहीं सकदे, ओह साडे नाल गलबात इंग्लिश दे विच ही करनगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट हो आप और यहाँ पर इंडिया में आकर मेंटा स्किल में आपने ये सारा स्टडी की है, तो क्या क्या सीखा है यहाँ से आपने? I've learned here English, Hindi and the mentor skill we have finished here. It's very useful. Okay, और कौन कौन से आपने मेथड्स सीखे हैं? मेथड्स जो हैं आपने कौन कौन से और कितने मेथड्स सीखे हैं? About 20 methods we have learned, PMS, rhyme method, room man method and so on. Okay, और आपका नाम क्या है? तलहा। ओके तलहा, तो आप हमें बताएं कि आपने कितने सारे स्किल्स जो हैं यहाँ से ली हैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए आपकी स्टडी में? यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा कुछ सीख लिया, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स और मेंटल स्किल्स के मेथड सीख लिए। ओके, तो इन्हां दे नाल ही साडे कोल इन्हां दे जो फादर ने वो भी मौजूद ने, उन्हां दे नाल भी असीं गलबात करांगे। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम आबिदी, एंड फ्रॉम अफगानिस्तान।
ओके सर, तो आपने वहाँ से यहाँ इंडिया में आकर अपने बच्चों को ये जो मेंटा स्किल्स है इसकी स्टडी करवाई है, इसके पीछे की जो भी स्टोरी है आप हमें बताएं। मैम एक्चुअली मैं तो अपने आप MSc के लिए आए हूँ और साथ में ये मेरी फैमिली भी यहाँ पर आई थी, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। जब मैंने पहली बार सिटी में इनका ये प्रोग्राम ज्वाइन किया तो वहाँ पर हमने फील किया कि ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। अगर ये ज्वाइन कर लेंगे तो ये मेथड सीख लेंगे तो दोबारा अफगानिस्तान जाके इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और रियली जब इन्होंने ज्वाइन भी किया तो काफ़ी चेंजेस इनमें आ गया, इन्होंने ऐसे मेथड सीखे, दे रियली लर्न द वे ऑफ लर्निंग, इन्होंने सीखने की तरीके सीख ली और काफ़ी इम्प्रूवमेंट इनमें आ गया, काफ़ी मोटिवेट हो गया। और अभी वो जब बोल रहे हैं जब हम वापस अफगानिस्तान चले जाएंगे तो हम ये मेथड्स वहाँ पर जाके बहुत सारे स्कूल्स में टीच कर लेंगे, तो ये यकीनन बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी इनके लिए और उन्होंने काफ़ी उनका बेनिफिट्स ले लिया। वेख्या तुम्हें तुसी जिवें कि इत्थे इंटरनेशनल जिहड़े स्टूडेंट्स भी ने वो भी इत्थे मेंटल स्किल्स दे विचों काफ़ी ज़्यादा स्किल्स जो ने अपनी इंप्रूव करके जा रहे ने। सब लोग ग्रेजुएट है, ऐसा कोई जो ग्रेजुएट नहीं है, सभी ग्रेजुएट है। तो यानी आपने 9th भी पढ़ी है, 10th भी पढ़ी है, 12th भी पढ़ी है, सारी पढ़ाई करके हर पास होते हुए आए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 9th क्लास में या 10th क्लास में आपके जो भी मार्क्स आए थे अगर वो एग्जाम इसी वक्त में वापस लूँ तो क्या आप वो सारे मार्क्स अभी ला सकते हो? आई एम श्योर कि आप कहोगे वी नीड टाइम टू री प्रिपेयर बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिलेबस नाउ हैज बीन फॉरगॉटन, हम भूल गए। यानी आपने समझा पक्का करने के लिए, समझा परमानेंटली और याद टेम्पररी किया, ये बच्चों के साथ होता है। और आपको बताऊं पढ़ाई में असली प्रेशर क्या है, पढ़ाई का असली प्रेशर ही याद करना है। अगर पढ़ाई में याद करना हट जाए तो पढ़ाई एंजॉयबल बन जाती है। हाँ जी दोस्तों, जिमें कि असी तुहानू पेरेंट्स दे नाल ते बच्चियां दे नाल मिलाया जिन्होंने कि मेंटल स्किल्स तो बहुत ज़्यादा मैथड सीखे ने, तो बहुत ज़्यादा अपनी जिहड़ी नॉलेज है उसनू वधाया है। अते हुण असी तुहानू मिलाण जा रहे हैं उस शख्सियत दे नाल जिन्होंने कि मेंटल स्किल नू स्टार्ट किया है जी, उन्होंने ओनर सचिन खुल्लर सर। सत श्री अकाल सर, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू TV पंजाब, ऑल दी पेरेंट्स प्रेजेंट, ऑल दी स्टूडेंट्स, एंड जो मैसेज इस जरिए दिया जा रहा है पूरी कम्युनिटी को, पंजाब के हर उस बच्चे को और उस यूथ को, इंडिया के हर एक स्टूडेंट को, कि हम लोग हमेशा इसी चीज़ को लेके चलते हैं कि पढ़ाई हमारे लिए मुश्किल है। तो पढ़ाई मुश्किल है ये एक चीज़ है, और क्या हम उस मुश्किल को, क्या उस चीज़ को हम इम्पॉसिबल तरीके से याद नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस तरह के मेथड्स हैं जो विच इज़ डिवेल्प्ड बाय दी मेंटा स्किल्स एंड ब्रेनीवुड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम ना कि बच्चों को पढ़ाई आसान बनाते हैं बट बच्चे की ओवरऑल डिवेलपमेंट के ऊपर हम लोग काम करते हैं, ओवरऑल होलिस्टिक डिवेलपमेंट के ऊपर हम लोग काम करते हैं। और इसी चीज़ को हम उस हिंदुस्तान के हर उस कोने के अंदर, हम हर उस विलेज के अंदर हर उस बच्चे को ये सिखाना चाहते हैं ताकि पढ़ाई करना उसके लिए एक फोबिया ना रहे, उसके लिए एंजाइटी ना रहे, स्ट्रेस ना ले बच्चा, आसानी से वो खेलते खेलते फन लर्निंग तरीके से वो पढ़ाई को कर पाए। तो बहुत वधिया लगा कि तुसी एक इन्नी वड्डी जिहड़ी कोशिश है वो एक तरह की स्टार्ट कर दिती है, और असी उम्मीद करते हैं कि ये बहुत सारे लोगों तक पहुँचन। बहुत बहुत थैंक यू सर, तुसी साडे नाल अपनी गल्लां सांझियां कीतियां। थैंक यू सो मच। मैं सारिआं दा शुक्रिया अदा करना चाहना जो परसनज इत्थे आए TV पंजाब के जरिए, या उदा आप जो परसनज नूं इत्थे एड्रैस किया, तो थैंक यू सो मच। और सारे उस पेरेंट्स दीआं ब्लैसिंग्स, सारे उस स्कूल दे प्रिंसीपल्स दीआं ब्लैसिंग, हर उस इंडिविजुअल नौजवान दीआं ब्लैसिंग साडे नाल है। असीं बड़ा प्राउड फील करते, अपने आप नूं खुशकिस्मत समझते हैं, ताकि स्टैप बाई स्टैप विद द ग्रेस ऑफ गॉड आपां हौली हौली चीज़ां अगे वध रहे हैं, और आपां हर जगह हर मैप दे विच, इंडिया दे मैप दे विच, आपां हर जगह हर छोटे विलेज दे विच, हर छोटी सिटी दे विच जिहड़ी है वो प्रेजेंस बनावांगे। थैंक यू सो मच। हाँ जी, ये साडे नाल सचिन खुल्लर जी जिन्होंने मेंटा स्किल्स दे बारे सानू सारा जाणू करवाया कि किवें असी अपनी बच्चियां नू स्किल्ड कर सकते हैं। कैमरा परसन मायंक दे नाल मैं रजिंदर कौर, TV पंजाब।